मुंगेर के काली पहाड़ी स्थित राधा कृष्ण बलराम मंदिर में स्थापित कई देवी देवताओं की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओ और डीएसपी सहित कई थानों के पुलिस के द्वारा मामले की जा रही है जाँच। डीएसपी ने कहा, दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड स्थित काली पहाड़ी पर राधा कृष्ण बलराम मंदिर एवं जानकी मंदिर में स्थापित कई देवी देवताओं की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना गुरुवार की देर रात की बताई जा रही है। वहीं इस घटना की सूचना शहर में मिलते ही यह बात आग की तरह फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह और सदर एसडीपीओ राजेश कुमार सहित आला अधिकारी काली पहाड़ी स्थित मंदिर में पहुंचकर छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले में मंदिर समिति के सदस्य राजेश रमन ने बताया कि हर दिन की तरह शाम में मंदिर के आगे दरवाजा को ताला लगाकर चला गया और आज शुक्रवार की सुबह पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों ने काली पहाड़ी स्थित राधा कृष्ण बलराम मंदिर के दरवाजा को तोड़कर मंदिर में स्थापित कई देवी देवताओं की प्रतिमा को विखंडित कर दिया है, जिस कारण शहरवासी आहत हो गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि घटना में जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पुनः इस तरह की हरकत नहीं कर सके। वहीं इस मामले में सदर एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि काली पहाड़ी स्थित मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इसके लिए डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है ताकि घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर भी जाँच की जा रही है, जिससे कि वैसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोषी जो भी हो वह बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुई है काली पहाड़ी मंदिर पर? कल रात में, लगता है मध्य रात्रि में, यहाँ कुछ चार पांच व्यक्ति आए और दो बड़ी ताला को तोड़कर और मंदिर में घुस पड़े और वहां जाकर राधा कृष्ण बलराम मंदिर में जो राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्ति है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए। और इस तरह की घटना चोरी की पहले भी 8-10 बार हो चुकी है, परंतु मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना ये पहली बार घटना घटी। और इसके साथ साथ सामने जो महादेव जी का शिवलिंग है उसको भी क्षतिग्रस्त किया और राम लक्ष्मण सीता का जो प्राचीन मंदिर है उसमें भी राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति को तोड़कर बाहर फेंक दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जो लगभग चोरी की 5-7 साल से घट रही है, दो तीन महीने में घटते जा रही है, पिछले 1.5 साल से ऐसा घटना घट नहीं रहा था। चूंकि 1.5 साल पहले जो मंदिर में चोरी हुई थी उस समय चोर पकड़ा गया था, उसके बाद यह घटना घटी नहीं घट रही थी। और पिछले साल मई में 2023 में यहाँ पर बड़ी मूर्ति लाकर बाहर से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया था, जिसमें हम लोग पूरी तरह से राजेश भैया हम लोग सब लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर उस मूर्ति को स्थापित किए थे। और मई के अभी साल भी नहीं हुआ, 1 वर्ष पहले ही होने से पहले ही इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और ये साधारण घटना नहीं है। इसमें तो चूंकि सुबह जैसे ही घटना का जानकारी हुआ, राजेश भैया सबसे पहले आए यहाँ और तुरंत एसपी साहब से बात किए हम लोग, एसपी साहब तुरंत भेजे प्रशासन को, जिस रामनगर थाना के अंतर्गत ये पड़ता है, रामनगर थाना आ गए, ईस्ट कॉलेज थाना से भी लोग आए और खुद डीएसपी साहब आके अभी तुरंत गए हैं। और हम तो प्रशासन से बोलेंगे जल्द से जल्द आज इस घटना का उद्भेदन किया जाए, चूंकि ये आस्था का विषय है और हम लोग पूरे यहाँ जो भी मेला लगता है, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, गोवर्धन पूजा हो, जो भी मेला लगता है भव्य आयोजन होता है, जबकि ये दुर्गम रास्ता है, पहाड़ पर चढ़ के यहाँ लोग पूजा करने आते हैं और इस दुर्गम रास्ते में मतलब हैंडीकैप्ड हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब लोग कष्ट साधक करके यहाँ पूजा करने आते हैं और पूजा करके जाते हैं। इतनी बड़ी आस्था लोगों का जुड़ा हुआ है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजेश रमन राजू हुआ, मैं इस मंदिर परिषद राधा कृष्ण बलराम मंदिर परिषद का सदस्य हूँ। हुआ इस सूचना का सत्यापन हेतु थाना नया रामनगर थाना अध्यक्ष और वहाँ के नज़दीक ईस्ट कॉलोनी थाना अध्यक्ष
को निर्देशित किया गया कि वो जाके देखें। मैं भी स्वयं घटनास्थल पे गया हूँ और वहाँ पे मैं पाया कि जो मूर्ति है वो विखंडित है, कुछ मूर्तियाँ विखंडित हैं। वहाँ तकनीकी अनुसंधान की जा रही है, कमेटी के मेंबर से बातचीत की गई है और संदिग्ध के घर में छापेमारी चल रही है। हमने श्वान दस्ता को भी बुलाया है और विधि व्यवस्था जो है वो सामान्य है।